नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडियटा में आप सभी का स्वागत है। केवीएस पीआरटी का जो रिजल्ट आपका घोषित हुआ था उसको लेकर के एक प्रश्न देखने को मिला था कि कैटेगरी की अलग अलग जो है आपकी उनमें कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है उसको लेकर के इस वीडियो में बात करते हैं। तो केवीएस पीआरटी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की अगर बात करते हैं तो कैटेगरी वाइज सबसे पहले जनरल की बात करें तो टोटल पोस्ट आपकी जो है वो 2599 थी, जिसमें से कैंडिडेट जो आपके चुने गए हैं वो 3994 आपके सेलेक्ट किए गए हैं। और अगर बात करते हैं गुना की तो यहाँ पर 1.536 गुना अभ्यर्थियों को जो है वो चुना गया है। दूसरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टोटल पोस्ट आपकी 641 थी, यहाँ पर कैंडिडेट जो चुने गए हैं वो 3145 चुने गए हैं। और यहाँ पर बात करते हैं गुना की तो 4.906 गुना चुने गए। और सबसे ज़्यादा जो मल्टीपल टाइम में आपका अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी, जहां पर आपकी टोटल पोस्ट थी 1731 और जिसमें कैंडिडेट को जो चुना गया है वो 7993 जो है वो चुना गया है। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट के परिप्रेक्ष्य देखेंगे तो सबसे ज्यादा ओबीसी कैटेगरी में अभ्यर्थियों को चुना गया है, यानी सबसे ज्यादा जो छटेंगे अभ्यर्थी वो ओबीसी कैटेगरी से छटेंगे। और यहाँ पर टाइम्स देखेंगे तो 4.617 है। एक चीज ये भी देखिए कि जब बात करते हैं गुना के संदर्भ में तो वहां पर आप टाइम्स में देखेंगे तो 4.906 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, पर कैंडिडेट के संदर्भ में देखेंगे तब वहां पर आप ओबीसी कैटेगरी को देख पाएंगे जहां पर सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों को जो है वो लिया गया है। आगे बात करते हैं एससी कैटेगरी, तो 962 टोटल पोस्ट थी, कैंडिडेट की अगर बात करें तो 3334 आपके कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो 3.465 गुना अभ्यर्थियों को लिया गया है। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो 4.81 आपका टोटल पोस्ट थी। उसके बाद इसमें कैंडिडेट की बात करें तो 1467 आपके कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और यहाँ पर अगर बात करते हैं गुना की तो 3.049 आपके जो है वो गुना अभ्यर्थियों को जो है वो चुना गया है। इंटरव्यू डेट आपको सभी को पता है 3 से 8 नवंबर है और आपने जो रिजल्ट देखा होगा उसके सामने आपको इंटरव्यू कब है कहाँ है वो देखने को मिलेगा। अब आपको कुछ चीज़ें करनी है, जैसे कि इंटरव्यू लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है ऑफिशियल वेबसाइट पर। कल कुछ सही नहीं चल रही थी इसलिए आप देख लीजिएगा रात में, या तो ट्राई कर लीजिएगा इंटरव्यू लेटर आपका जो है उसको आप लॉगिन करके जहां से आपने अपना स्कोर देखा होगा ना नॉर्मलाइज्ड वाला, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये आपको इस तरीके से वेन्यू कहां पर है, डेट ऑफ इंटरव्यू कहां है, उसका टाइम है, क्या क्या सारी चीज़ें जो है वो ले जानी है, वो सारी चीज़ें आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी, जिसमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्क्स शीट स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड्स मेंशन्ड इन योर एप्लीकेशन इन सपोर्ट ऑफ योर क्वालिफिकेशन एज, इन सभी के प्रूफ के तौर पर। ये तो चीज़ें एक तरफ ये हो गई, इसके साथ साथ जो स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था बायोडाटा फॉर्म, वो सारी चीज़ें, और आपने देखा होगा जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें NOC या आपका कोई सर्टिफिकेट है, वो सारी चीज़ें आपको पहले से तैयार रखनी है। तो क्लियर हो गया होगा बाकी ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई, इससे ये चीज़ भी क्लियर हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो बॉर्डर लाइन पर जो अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ा सा चिंता का विषय है कि KVS के जो इंटरव्यू को लेकर के और साथ ही साथ यहाँ पर जो आप नंबर पाए हैं एग्जाम पेपर में उसको लेकर के मेरिट बनाई जाएगी, तो जो एकदम बॉर्डर लाइन पर है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। बाकी यही था हमारे सोरल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।